हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यानीर क्लासेस। सो जैसे कि आप सबको पता है, फीमेल सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम के लिए जो 23 जून को होने जा रहा है, उस एग्ज़ाम के लिए हमने ये सेशन स्टार्ट की थी जहाँ पे हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। थ्रू आउट द सेशन हम 500+ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। लास्ट में हमने बात की थी 51 क्वेश्चन तक, आज हम स्टार्ट करें 52 से। सो क्वेश्चन देखते हैं। द रेजिड्यूरी पावर्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट विद द, यहाँ पे पूछा है जो रेजिड्यूरी पावर्स हैं उन पे जो लॉज बनाने की अथॉरिटी है वो किसकी है। पहले समझते हैं कि रेजिडरी पावर्स होती क्या हैं। तीन मेन लिस्ट रहती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और लास्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जिस पे लॉज बनाने का एक्सक्लूसिव राइट सिर्फ और सिर्फ यूनियन के पास होता है या पार्लियामेंट के पास कह सकते हो। दूसरी आती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जिन पे लॉज बनाने की जो अथॉरिटी है वो प्राइमरली स्टेट के पास है, लेकिन अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाती है यूनियन और स्टेट के बीच तब कौन प्रिवेल करेगा, यूनियन या सेंटर। और लास्ट में आती है कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें वो सब्जेक्ट आते हैं जिस पे लॉज बनाने की अथॉरिटी दोनों के पास है, स्टेट के पास भी और यूनियन के पास भी। अब जो सब्जेक्ट इन तीनों ही लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है वो कौन से होते हैं, रेजिडोरी सब्जेक्ट, और उन पे जो लॉज बनाने की पावर होती है उनको हम क्या कहते हैं, रेजिडोरी पावर्स। सो इन पावर्स, ये पावर्स किसके पास रहती हैं, इन सब्जेक्ट पे लॉज कौन बना सकते हैं, पार्लियामेंट। ठीक है, अब पार्लियामेंट या फिर सेंटर, यूनियन पार्लियामेंट, सी इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट वाज, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि जब आप स्टेट एग्ज़ाम की, स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हो तो इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आते हैं और पॉसिबिलिटी है आने की। फर्स्ट वुमेन कौन थी, है ना, लास्ट वुमेन कौन थी, जो फर्स्ट वुमेन गवर्नर हैं स्टेट के वो कौन थे, सरोजनी नायडू। द करेक्ट आंसर इज़ बी। और ये कौन सी स्टेट के गवर्नर थे, उत्तर प्रदेश। ठीक है, करेक्ट आंसर इज़ बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स फॉल, यहाँ पे फॉल होगा, फॉल अंडर इट्स। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, जो भी डिस्प्यूट्स अराइज होंगे किस किस के बीच, सेंटर और स्टेट के बीच, वो सुप्रीम कोर्ट की कौन सी जुरिस्डिक्शन में फॉल करते हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में। अब इसके अलावा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में और क्या क्या आता है, स्टेट वर्सेस सेंटर वर्सेस स्टेट के केस, स्टेट सेंटर और स्टेट एक साइड वर्सेस कोई और स्टेट दूसरी साइड, या फिर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है स्टेट वर्सेस स्टेट। ठीक है, ये सब कहाँ पर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में। तो वन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स नो ट्राइब हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड बाई द प्रेजिडेंट। पहले तो यहाँ पे बात की गई है शेड्यूल्ड ट्राइब की। ठीक है, कोई भी ट्राइब उसको शेड्यूल्ड डिक्लेयर कौन करता है, किसी भी ट्राइब को एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब कौन डिक्लेयर करता है, प्रेजिडेंट। अब यहाँ पे पूछा है इनमें से कौन सी स्टेट ऐसी है जहाँ पे कोई भी ट्राइब शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है, तो वो कौन सी है, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे एक भी शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है। अब इसके साथ थोड़ा सा JNK को भी देख लेते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में पहले 12 शेड्यूल ट्राइब थी, अभी जो रिसेंटली लॉ पास किया गया है, अभी 1-1.5 महीने की पहले की बात है, 4 और शेड्यूल ट्राइब्स को ऐड किया गया है, तो अब टोटल कितनी हो गई हमारे जम्मू कश्मीर में, 16। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 56 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ब्रीफ क्या होता है, छोटा। कौन सा ऐसा, कौन सी कंट्री का ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो वर्ल्ड में सबसे छोटा है। द राइट आंसर इज़ USA। इसके साथ ही जो सबसे छोटा, सबसे ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो USA का है, और जो सबसे बल्कीएस्ट या सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया का है। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑल इंडिया सर्विसेज। सो ऑल इंडिया सर्विसेज कितनी होती हैं टोटल, 3 सर्विसेज हैं उसमें, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और लास्ट है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ऑप्शंस देखते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ये भी ऑल इंडिया सर्विस है, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑल इंडिया सर्विस नहीं है, इंडियन पुलिस सर्विस भी और इंडियन डिफेंस सर्विस भी ऑल इंडिया सर्विस नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या क्या होंगे, ऑप्शन 1 और 3। ठीक है, B इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये हमने पढ़ा कि 3 ऑल इंडिया सर्विसेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, बट अगर कोई और ऑल इंडिया सर्विस ऐड करनी पड़े तो वो पावर किसके पास रहती हैं, राज्यसभा के पास। ठीक है, अंडर आर्टिकल 312, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टेन्योर ऑफ एवरी पंचायत शैल बी फॉर 5 ईयर्स
फ्रॉम द डेट ऑफ, यहाँ पे पूछा हुआ है जो पंचायत का 5 साल का टेन्योर होता है वो काउंट कहाँ से करते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ पंचायत की बात हो रही है, बट साथ ही में हमने लोकसभा के बारे में भी पढ़ा था, है ना, कि इनका भी जो टेन्योर है वो 5 साल तक रहता है। अब दोनों ही केस में ये 5 साल का टेन्योर हम काउंट कहाँ से करते हैं, जब इलेक्शंस हो जाएंगी उसके बाद जो पहली सेशन बैठती है, पहली उनकी मीटिंग होती है, उस डे से लेके आगे 5 साल तक उनके 5 साल का टेन्योर हम काउंट करते हैं। ठीक है, द करेक्ट आंसर विल बी फ्रॉम इट्स फर्स्ट मीटिंग, पहली मीटिंग के बाद जो टाइम स्टार्ट होता है वहाँ से हम इनका टेन्योर काउंट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर ऑब्लिगेटरी इन ऑल म्यूनसिपैलिटीज़। सो म्यूनसिपैलिटीज़ जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पे क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या उनके मेन फंक्शंस हैं, जितने भी बर्थ और डेथ्स के रजिस्ट्रेशन है वो म्यूनसिपैलिटीज़ में होते हैं। करेक्ट आंसर की ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, जो वाटर सप्लाई का काम है वो भी कौन देखते हैं, म्यूनसिपैलिटीज़। उसके बाद जो ये रोड साइड ट्रीज़ की प्लांटेशन होती है, उनकी मेंटेनेंस होती है, वो भी कौन करता है, किसके अंडर आती हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ के अंडर। नेक्स्ट, जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की प्रोविजंस हैं विद इन द म्यूनसिपैलिटी, वो फंक्शन भी किसके अंदर आता है, म्यूनसिपैलिटीज़ के। तो ये चारों ऑप्शन ठीक हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी का काम है, अर्बन प्लानिंग का काम है, वो भी किसके अंडर आता है, म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। सो इंडिया में फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको बोला जाता है, लॉर्ड रिपन को। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ नो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एट ऑल। यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे एक भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है, ना इंटरमीडिएट लेवल पे, ठीक है, ना किसी लेवल पे है, ना किसी टायर पे, कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो ऐसी कौन सी स्टेट है, नागालैंड। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ टू कंडक्ट द इलेक्शंस टू पंचायत्स एंड द म्यूनसिपैलिटीज़। अब जो ये पंचायत की और म्यूनसिपैलिटीज़ की या लोकल गवर्नमेंट की जो इलेक्शन होती है उनको कौन कंडक्ट करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। और दूसरे दूसरे लेवल की अगर हम बात करें, जो लोकसभा की इलेक्शन है वो कौन कंडक्ट करवाता है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। इस क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, स्टेट इलेक्शन कमीशन। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, इलेक्शन इस बार एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूरे चांसेस हैं इलेक्शन में से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट आते हैं, पंचायती राज वाज स्टार्टेड इन द कंट्री इन। सो ये पंचायती राज, ये कंट्री कौन सी बात हो रही है, इंडिया की। इंडिया में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कब स्टार्ट किया था, इन द ईयर 1952। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, ठीक है, 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द लिस्ट ऑफ आइटम्स विच मे बी एंट्रस्टेड टू द पंचायत्स इज गिवन इन द। अब यहाँ पे कौन से शेड्यूल में बात की है पंचायत्स की, तो शेड्यूल सारे इंपॉर्टेंट है। आपने टीयर्स ऑफ पीएम ऐसे करके एक निमोनिक सुना होगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है, इस तरह से आप सारे शेड्यूल याद कर सकते हो, यूनियन टेरिटरी अम्यूलमेंट अफर्मेशन राज्यसभा शेड्यूल, शेड्यूल एरियाज, अदर शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है, ऐसे करके आप सारे शेड्यूल याद कर सकते हो। जो पंचायत की बात है ये कहाँ पे होती है, 11th शेड्यूल में, ठीक है, द करेक्ट आंसर विल बी 11th शेड्यूल। नेक्स्ट है, द ओनली यूनियन टेरिटरी विच हैज़ ए हाई कोर्ट ऑफ इट्स ऑन। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसके पास एक अपना हाई कोर्ट है। तो सिर्फ दिल्ली, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में उनमें से सिर्फ दिल्ली ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपना सेपरेट हाई कोर्ट है। अगर हम अपनी यूटी की बात करें, जम्मू कश्मीर की भी, तो हमारा जो हाई कोर्ट है वो किसके साथ शेयर होता है, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। अब एक बार जो ये हाई कोर्ट वाला क्वेश्चन है कि कौन सी यूटी के पास अपना हाई कोर्ट है, कौन सी स्टेट अपने हाई कोर्ट शेयर करती हैं, इनमें से पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं, एक बार जल्दी से समझते हैं। टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में। जो लास्ट हाई कोर्ट बना है रिसेंटली वो किसको मिला है, आंध्र प्रदेश को, 25th हाई कोर्ट। उसके बाद आप ऐसे याद करना, 7, 7 और 3, तीन ऐसे हाई कोर्ट हैं जो अपनी जुरिस्डिक्शन शेयर करते हैं एक से ज़्यादा स्टेट के साथ, ठीक है, कौन कौन से, गुवाहाटी, मुंबई और लास्ट में आता है पंजाब। 7 ऐसे हाई कोर्ट हैं जो अपनी जुरिस्डिक्शन शेयर करते हैं एक से ज़्यादा स्टेट और यूटी के साथ।
अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, तीन ऐसे हैं जो अपना जुरिस्डिक्शन या अपना अधिकार क्षेत्र शेयर करते हैं एक से ज़्यादा स्टेट के साथ, और सात ऐसे हैं जो शेयर करते हैं एक से ज़्यादा स्टेट और यूटी के साथ, और सात ऐसी स्टेट्स हैं जिनके हाई कोर्ट कॉमन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं, पहले भी आए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन नॉट बी फाइल्ड डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट। अब इनमें से कौन से ऐसी केसेस हैं जिनके लिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकते। ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है डिस्प्यूट्स बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। अभी हमने दो तीन क्वेश्चन पहले पढ़ा कि जब भी दो स्टेट्स के बीच, सेंटर और स्टेट के बीच, या सेंटर और स्टेट एक साइड वर्सेस दूसरी कोई स्टेट हो, तो वो डायरेक्टली कहाँ फाइल होती हैं, सुप्रीम कोर्ट में। ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद क्योंकि उन्होंने पूछा कैन नॉट बी, और ये हो सकती है। नेक्स्ट है केसेस अगेंस्ट द एनक्रोचमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये बात भी हमने पहले डिस्कस की हुई है कि जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट होती है, हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कि हाई कोर्ट जाने का भी ऑप्शन होता है। क्वेश्चन के हिसाब से ये भी राइट आंसर नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है इफ वंस प्रॉपर्टी इज फोर्सफुली ऑक्यूपाइड बाई अदर। अगर प्रॉपर्टी का कोई केस होता है, प्रॉपर्टी पे कोई केस लगता है, उसके लिए हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, इन्होंने यही पूछा कि कौन सा केस नहीं जा सकता, तो राइट आंसर क्या होगा, सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिसाइड इट्स परमानेंट सीट एट दिल्ली द सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो मीट एट। अब यहाँ पे क्या पूछा है, हमें पता है जो सुप्रीम कोर्ट की मेन सीट है वो कहाँ पे है, दिल्ली में। लेकिन पहला तो क्वेश्चन ये है कि अगर दिल्ली के अलावा कहीं और बेंच को बैठना पड़े सुप्रीम कोर्ट के, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है। अभी पॉसिबल कैसे है, कौन कर सकता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है वो कहीं और भी बिठा सकते हैं, बट आफ्टर कंसल्टिंग प्रेजिडेंट। ठीक है, प्रेजिडेंट को कंसल्ट करने के बाद ही। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। सुप्रीम कोर्ट की सीट किसी और प्लेस पे भी बैठ सकती है, जैसे कि चीफ जस्टिस डिसाइड करें, बट प्रेसिडेंट को कंसल्ट करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज मेंट बाय द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सो ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? जब भी आप किसी कोर्ट में जाते हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो कोर्ट क्या करता है, अपने सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। अब उन रिकॉर्ड में क्या आता है, जैसे कोई एविडेंस है, कोई विटनेस है, डिक्री है, ठीक है, डॉक्यूमेंट है, वो सब। अब 10 साल के बाद भी कभी कोई केस वापस उठता है, तो कोर्ट के पास वो रिकॉर्ड पड़े होते हैं। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में क्या आता है, एक द कोर्ट दैट प्रिजर्व ऑल इट्स रिकॉर्ड। ठीक है, ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। इनको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं, जितना भी रिकॉर्ड है किसी कोर्ट का। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट ऑफ ए हाई कोर्ट इफ द हाई कोर्ट। अब यहाँ पे पूछा है, एक अपील हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है। ये आती किस में, एपिलेट जुरिस्डिक्शन में। इसमें क्या होता है, एक हाई कोर्ट, एक मतलब हाई लेवल का कोर्ट अपने से नीचे लेवल के कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट अपील सुन सकता है। ठीक है, अब ये ऑप्शन देखते हैं, हैज़ ऑन अपील रिवर्स्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन एंड सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। अब ये क्या कंडीशन दी है कि अगर किसी इंसान का कोई केस चल रहा है, उसकी रिहाई को रद्द कर दिया जाता है और उसको क्या सुनाई जाती है, डेथ सेंटेंस। ठीक है, मौत की सज़ा। क्या इस केस में वो अपील लेके जा सकता है? बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट है सर्टिफाइज दैट। अभी यहाँ पे बात हो रही है, इफ़ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट केस इज फिट वन फॉर अपील ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर हाई कोर्ट खुद ही सर्टिफाइड कर दे, खुद ही सर्टिफिकेट दे दे कि हाँ, जो हमारे पास ये केस आया हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट के लिए फिट है, अब वहाँ अपील लेके चले जाओ, तभी जा सकती है। ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट हैज़ विदड्रॉल फॉर ट्रायल बिफोर इट्सेल्फ एनी केस फ्रॉम एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब इसमें क्या मतलब हुआ इस लाइन का, कि जो हाई लेवल का कोर्ट है वो खुद ही किसी छोटे लेवल के कोर्ट का केस अपने पास ले आए, इसको बोलते हैं स्पेशल लीव। ठीक है, तीनों ही केसेस में क्या होगा, अपील एक लो लेवल कोर्ट से हाई लेवल कोर्ट तक जा सकती है। करेक्ट आंसर क्या होगा, इन ऑल द अबव केसेस। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट समझना, जो तीनों हमने केस पढ़े, इन तीनों ही केस में एक हाई कोर्ट से एक सुप्रीम कोर्ट तक अपील जा सकती है, बट ये दो केसेस ऐसे हैं जिसमें हाई कोर्ट को खुद सर्टिफाई करना पड़ता है कि आप, हाँ, इस केस में हाई कोर्ट को सर्टिफाई करना पड़ता है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। लेकिन जो ये केस होता है जिसमें किसी को डेथ सेंटेंस सुनाया जाता है, इसमें हाई कोर्ट की सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच इज़ द हाईएस्ट एंड फाइनल जुडिशियल ट्राइब्यूनल इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है या जो अपेक्स कोर्ट है वो कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट. द करेक्ट आंसर इज सी. बट एक केस जो पहले हमने बात की, जब किसी को डेथ सेंटेंस सुनाया जाता है उस टाइम जो लास्ट अपील होती है वो प्रेसिडेंट तक जा सकती है. वो प्रेसिडेंट के पास ये पावर भी है कि वो किसी के डेथ सेंटेंस को पार्डन भी कर सकते हैं. लेकिन जो हाईएस्ट फाइनल जुडिशियल ट्राइब्यूनल है वो कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट. द आंसर विल बी सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अंडर द रिट ऑफ मैंडमस द कोर्ट कैन. अब ये मैंडमस क्या है? पहले रिट क्या होती है? अंडर आर्टिकल 32 और अंडर आर्टिकल 226. आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को ये ऑथराइजेशन देता है, ऑथराइज करता है कि वो पांच किस्म के रिट को इशू कर सकते हैं. कौन कौन सी? हैबियस कॉर्पस, उसके बाद है मैंडबस, उसके बाद है सर्शोराई और लास्ट आती है क्यो वारंटो. ठीक है, मैंडमस का मतलब क्या होता है? वी कमांड. इसमें क्या करते हैं, एक हाई कोर्ट एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को ये कमांड दे सकते हैं कोई भी काम उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू डू और नॉट टू डू ए थिंग. नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द अमेंडमेंट प्रोसीजर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑन द पैटर्न ऑफ. अभी जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है इसके बारे में हमने पहले भी काफ़ी बार बात की है. कौन से आर्टिकल बात करता है अमेंडमेंट की? आर्टिकल 368. किसको पावर मिली है कोई भी अमेंडमेंट करनी हो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में? पार्लियामेंट को. ये हमने कहाँ से कॉपी किया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. तो आज के लिए इतने क्वेश्चन थे. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटी के नेक्स्ट क्वेश्चंस की. पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो. सो स्टे अपडेटेड. नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की. थैंक यू.